नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक बिगनर लेवल पे फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहे हैं, तो मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जिसकी मदद से आप अपने मार्केटिंग में प्रो बन सकते हैं। आइदर अगर आप खुद का ऐड रन कर रहे हो या फिर किसी क्लाइंट का ऐड रन कर रहे हो, तो फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप अपने एड कैंपेनियन डिजाइन जो वो करते हैं, आप उसको मिनिमम 5x गुना ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो असली पैसा जो छुपा हुआ है फेसबुक एड्स में या फिर आपके गूगल एड्स में, वो है रीमार्केट और रीटारगेट में, फनल बेस रीमार्केट एंड रीटारगेट। अब आप सोच रहे होंगे कि फनल बेस रीमार्केट रीटारगेट क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्टली ज़्यादातर जो बिगनर लेवल पे फेसबुक पर जो ऐड रन करते हैं, या तो वो अपने पोस्ट को बूस्ट करते हैं, या फिर आप एक बार आप ऐड रन करते हैं और आप उसी ऐड को बार बार ऐड दिखाते रहते हैं जहां पर आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जलता है, लेकिन रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं आता। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक 5 टिप को जरूर फॉलो करना चाहिए जो आपके मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप एड कैंपेनियन क्रिएट करते हैं फेसबुक के अंदर या फिर गूगल के अंदर, ये सेम स्ट्रैटेजी दोनों के ऊपर लागू होती है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपनी ऑडियंस को जरूर बनाएं। ऑडियंस आपको 5 तरीके की ऑडियंस बनाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को सेल के अनुसार आपको मिनिमम 1 डे वेबसाइट विजिटर ऑडियंस जरूर बनाना चाहिए, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आता है कि 14 डेज, यानी कि 14 दिनों के अंदर जो वेबसाइट विजिटर हुए हैं आपके साइट्स पे, उसके भी एक डिफरेंट ऑडियंस बनानी चाहिए, 2 हुई। तीसरा हुआ 30 डेज वेबसाइट विजिटर ऑडियंस, यानी कि 1 महीने के अंदर जितने भी ट्रैफिक आपने वेबसाइट पर लेकर आए हैं, आप उनको भी जरूर ऑडियंस ग्रुप में जरूर बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 90 डेज के अंदर जितने भी ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आए हैं, आप उसका भी एक कैटेगरी बना लें। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक वैलिडेट है, तो आप उनको 180 दिन का भी ऑडियंस बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप प्रोडक्ट सेल क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने एक ऑडियंस बनाया। ऑडियंस बनाने के बाद में कुछ ऑडियंस हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया, तो उसने आपके साथ में बाई कर लिया। जो कन्वर्ट हो चुके हैं मिनिमम 500 अगर आपके पास में कन्वर्जन रेशियो है, तो आप एक और ऑडियंस बनाएं, लुक लाइक ऑडियंस, यानी कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं, मिनिमम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, जिसने खरीद लिया है, या थैंक यू पेज पर आ चुके हैं, ऑर्डर पेज पर आ चुके हैं और पैसा देने के बाद में आपके प्रोडक्ट को बाई कर लिया, आपके प्रोडक्ट को एक्सेस कर लिया, अगर वो डेटा आपके पास में है यानी कि पिक्सल में है, तो आप उसको ना उसको क्या कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाइए और वापस रीमार्केट कीजिए। फेसबुक के एल्गोरिदम को, एआई सिस्टम को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट, जो भी बंदे ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, उसके जैसा ऑडियंस आपको वो ला कर दे। तो पर्टिकुलर आप उनको टारगेट कर सकते हैं कि उसी के तरीके के ऑडियंस आपको एआई, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट एआई टूल आपको ला कर देगी और उसके जैसे ही लोगों को आपको आपका एड को दिखाएगा। यानी कि आपके ये कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाने के बाद में पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको ये टारगेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि जब भी आप ये डेटा को एनालाइज करना सीखें, क्योंकि ये पिक्सल जैसे आप करोगे, पिक्सल इंस्टॉल करोगे, फेसबुक का पिक्सल आप इंस्टॉल करोगे आप अपने वेबसाइट पे या सेल्स पेज पे, तो वो आपको ट्रैकिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अब आप अपने यूजर के बिहेवियर को अच्छे तरीके से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन से यूजर आपके वेबसाइट ट्रैफिक पर आकर एग्जिट कर गया है, कौन ऑर्डर पेज पर आकर गया है। इस तरीके से आप उनके यूजर को टारगेट कर सकते हो, वापस से रीमार्केट रीटारगेट कर सकते हो। उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं पिक्सल के द्वारा ही होती है कि फेसबुक पिक्सल जब तक आप अपने वेबसाइट पे या फिर आप अपने सेल्स पेज पे या फनल के पेज पे आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसके ट्रैकिंग कोड को, तब तक वो आप अपने यूजर के बिहेवियर को नहीं कर पाएंगे ट्रैक। उसके बाद बात करते हैं रीमार्केट एंड रीटारगेट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि असली पैसा यहीं छुपा होता है कि रीमार्केटिंग रीटारगेट। मान लीजिए कि आपके वेबसाइट पर 1000 कस्टमर आए हैं, जिसमें से हार्डली 100 कस्टमर ने लीड दिया है और उसमें से 50 कन्वर्ट हो गए हैं और बाकी के लोग चले गए हैं, तो लेकिन आप एक मार्केट में इस तरीके से कर सकते हैं कि जो बंदे 50 कन्वर्ट हुए हैं, अगर थोड़ा सा कन्वर्जन रेशियो आपके पास और ज़्यादा है, तो आप एक
फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एड्स सेक्शन में हैं, वहां पर आप अपने लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं कि जो 50 लोगों ने आपका कन्वर्ट हुआ है वो उसके जैसा ऑडियंस वो बना कर दे। लेकिन 50 काफ़ी कम हो जाता है, मिनिमम 500 कन्वर्जन अगर आपके पास में हो तो 500 कन्वर्जन डेटा को फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत ही आसानी से रीड करते हैं और उसके जैसा लुक लाइक ऑडियंस आपको देंगे और आपके ऐड को पर्टिकुलर उन्हीं को टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट में की बात करते हैं कि जो ट्रैफिक आपकी एग्जिस्ट कर चुके हैं, जो ट्रैफिक आप में कन्वर्ट नहीं हुए आपके साइट्स पर आने के बाद में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चले गए हैं, तो आप उनको भी एक रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। इसका भी एक अलग से आप एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआती तौर पे कहा था कि 30 डेज वेबसाइट विजिटर, 14 डेज वेबसाइट विजिटर, 90 डेज वेबसाइट विजिटर जो भी आया है उनको आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे लास्ट ये है, एक टिप है कि जो भी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट खरीद चुके हैं आप उनको एक्सक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि आपके ऑडियंस में अगर आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया ऐड टारगेटिंग में तो बार बार आपका ऐड उनको दिखता रहेगा जो प्रोडक्ट आपसे बाई कर चुके हैं। तो ये 5 to 6 टिप थे मेरे द्वारा जो मैं पर्सनल अपने मार्केटिंग में इस्तेमाल करता हूँ। शुरुआती तौर पे मुझे भी ये चीज़ समझने में काफ़ी देर लगी और इस तरीके की टारगेटिंग मैं नहीं कर पाता था जिसकी वजह से मेरे पैसे जलते थे, लेकिन जब मैं सीख चुका हूँ तो अब मेरे को रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अगर आप में से किसी को भी फेसबुक पे ऐड रन करना हो या मार्केटिंग करनी हो तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे दिए हुए लिंक्स में आपको कुछ इंस्टाग्राम के लिंक्स होंगे, फेसबुक का लिंक होंगे, आप उसको आप मैसेंजर पे आप मुझे डाल सकते हैं, मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा। फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, सेल्स फनल बनाना हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, किसी भी प्रकार की आपको अपनी सर्विसेज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में इतने गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।